जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 11 दिसंबर को जो है 2 साल का कार्यकाल करेगी, इस संबंध में जो है बिलासपुर में जो है एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है जो हिमाचल प्रदेश काम किया गया है, विकास किया गया है, उसका जो है एक किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। और 2 साल का कार्यकाल है, वो उपलब्धियों भरा कार्यकाल है, इसके बावजूद कि जो हमको आर्थिक रूप से भी चुनौतियां मिली, राजनीतिक रूप से भी जो चुनौती भरा रहा है, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में विकास की गति वो बड़ी है, और हमने जो गारंटीज दी थी हमने उसको पूरा करने किया है। हमने कहा था कि ओपीएस को हम लागू करेंगे, हमने पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस दिया है। हमने कहा था कि महिलाओं को 1,500 रुपये के रूप में पेंशन दी जाएगी, उसको लाहौल स्पीति जिले से शुरुआत कर करके पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई 2.5-3 लाख महिलाओं को जो है वो 1,500 रुपये रूप में जो है पेंशन हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को दी जा रही है। हमने हिमाचल प्रदेश में जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में 67 विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर जो ऊंचा हो और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो पहली कक्षा से जो है आरंभ कर दी है। इसी तरह से हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में है। पिछले 2.25 साल में हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 20-22 हज़ार के करीब जो है वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश में पोस्टें क्रिएट की गई है, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पक्ष में है वो अपने विरोधी पार्टी की आलोचना करेगा, नुक्ताचीनी करेगा, वो जयराम जी अपना काम कर रहे हैं। सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑपरेशन लोटस किया मगर विफल हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हिमाचल की जनता ने 9 में से 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस सरकार को दिया है, तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते जयराम जी हमारी तारीफ, वो हमारी आलोचना करेंगे। एक विपक्ष के नेता के रूप में वो उनका काम है सरकार की आलोचना करना, अगर वो सरकार की तारीफ करेंगे और आलोचना नहीं करेंगे तो वो अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे, उनको कहा जाएगा कि वो तो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। इस तरह से जो है विपक्ष का काम आरोप लगाना है, नुक्ताचीनी करना है सरकार का। जब हम विपक्ष में होते थे भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आलोचना करते थे, उनकी नुक्ताचीनी करते। ये एक प्रजातंत्र का सिस्टम है,